but I am not going to direct it, I'll produce it. I said, very good. We'll find a good director for that. सोहेल खान बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के छोटे भाई हैं। सोहेल पेशे से एक एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। सोहेल खान ने बतौर एक्टर मैंने दिल तुझको दिया, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, कृष्णा कॉटेज और ट्यूबलाइट जैसी मूवीज में काम किया है और उन्होंने हेलो ब्रदर, लकी नो टाइम फॉर लव, रेडी और राधे जैसी मूवीज को प्रोड्यूस किया है। और अगर बात करें उनके डायरेक्शन में बनी मूवीज की तो उन्होंने जय हो और फ्री की अली जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है। सोहेल खान ने सीमा सचदेव से यह 1998 में शादी की थी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सोहेल खान के रूमर्ड एक्सट्रामैरिटल अफेयर के बारे में, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कुछ साल पहले खबरें सामने आई थी कि सोहेल खान की वाइफ सीमा ने सोहेल का घर छोड़ दिया है और अपने बेटे के साथ अपने पेरेंट्स के घर पर चली गई है और इस सिचुएशन की वजह बताया गया था गैंग्स ऑफ वासेपुर एक्ट्रेस हुमा कुरैशी को। सोहेल खान और सीमा की जिंदगी में हुमा कुरैशी के आने तक प्यार ही प्यार था, लेकिन हुमा कुरैशी के उनकी जिंदगी में आने के बाद सब कुछ बदल गया था। कहा जाता है कि हुमा और सोहेल की मुलाकात पहली बार सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के दौरान हुई थी। हुमा को सोहेल खान की टीम मुंबई हीरोज का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था और इसके बाद लोगों को दोनों के बारे में बात करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और दोनों के एक दूसरे के साथ होने की खबरें आग की तरह फैलने लगी। रिपोर्ट्स की माने तो हुमा उसी बिल्डिंग में रहने लगी थी जहां पर सोहेल खान अपने परिवार के साथ रह रहे थे और हुमा को सोहेल खान की कई पार्टीज में भी स्पॉट किया जाता था। रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए एक बार हुमा के मैनेजर ने कहा था कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है, हुमा सिर्फ अपने काम के बारे में बात करती हैं। ये गॉसिप्स कभी कभी छोटी लगती हैं, लेकिन ये एक्टर्स के माइंडसेट को प्रभावित करती हैं। जिसके बाद एक्ट्रेस ने क्लैरिटी देते हुए हिंदुस्तान टाइम्स इंटरव्यू में कहा था कि मीडिया उनकी लाइफ की सच्चाई जाने बिना ही आगे बढ़ जाती है, वो हमेशा सही कहानियां बनाते हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। ऐसा मीडिया वाले इसलिए करते हैं क्योंकि वो उन्हें उनके ध्यान से भटकाना चाहते हैं और वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैंने लाइफ में जो भी कुछ हासिल किया है वो ऐसे किसी इंसान की हेल्प से किया है जो कि पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है और यह खुद पावरफुल है। ये काफी अपमानजनक है। बता दें कि इसके बाद ये भी रूमर्स आए थे कि सोहेल खान की वाइफ सीमा ने अपना घर छोड़ दिया है, जिस पर खुलासा करते हुए सीमा ने कहा था कि वो ये नहीं जानते कि ऐसे रूमर्स कौन फैला रहा है, लेकिन वो पनवेल में ही थी और उनके बच्चे भी उनके इन-लॉज के पास ही थे और उन्होंने हुमा को वहाँ नहीं देखा, तो वो नहीं जानते कि हुमा वहाँ थी या नहीं। उनका फार्म हाउस काफी बड़ा है और वहाँ 500 गेस्ट प्रेजेंट थे और उन्होंने हुमा को वहाँ पर नहीं देखा। हुमा उनके ब्रदर और सिस्टर इन लॉज के दोस्त हैं और हुमा सोहेल की सीसीएल टीम की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और उन्हें नहीं लगता कि दोनों साथ हैंगआउट करते हैं। लेकिन अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान ने सोहेल खान और सीमा के बीच सुलह करवाई थी। सलमान खान अपने भाई अरबाज खान की मलाइका अरोड़ा के साथ 17 साल पुरानी शादी को नहीं बचा पाए थे, लेकिन उन्होंने सोहेल खान के मामले में पूरी कोशिश की और सफल रहे। हालांकि ये दोनों की लाइफ का काफी मुश्किल समय था और ये सुनकर काफी अच्छा लगता है कि दोनों ने उस सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल किया और आज अपने दोनों बेटों निर्वाणा और योहान के साथ एक अच्छी लाइफ बिता रहे हैं। तो ये था वो र्यूमर सोहेल खान के एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर के बारे में। लेकिन अगर सोहेल खान के बॉयफ्रेंड के बारे में बात करें तो उन्होंने हाल ही में फिल्म राधे को प्रोड्यूस किया है, जिसमें नजर आए थे उनके भाई सलमान खान, दिशा पाटनी, रणदीप हुडा और जैकी श्रॉफ जैसे एक्टर्स। इस वीडियो में इतना ही। आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा बताएं हमें कमेंट्स में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी फिल्मी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।